गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रखर सर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आयु का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें से मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट वीडियो में, और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि कौन से कॉन्सेप्ट से आपको इसको सॉल्व करना है ना। मैंने आपको अनुपात वाला एक मेथड था उससे भी करना सिखाया था, और एक्स मेथड से भी मैंने आपको ये करना सिखाया है ना। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था, और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा ये हमें निकालना है। पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, है ना, आंसर कीजिए, फिर यहाँ पे भी देख लीजिए सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े एक नए जोश के साथ चलो भाई। आज के क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ओके। देखो भाई, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात, मींस कहने का एक साल पहले की बात हो गई। कौन थी? एक थी पल्लवी, एक थी ऋचा, और एक साल पहले की बात हो रही है, और इनका अनुपात उसने दे दिया है 4:3। ठीक है, समझ में आया? समझ में क्या किया क्या अभी मैंने? कुछ नहीं, मैंने तो केवल जो क्वेश्चन में लिखा है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसने कहा अगले वर्ष, अब अगले वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? अगले वर्ष का मतलब क्या है कि एक साल बाद, जब एक साल बाद की बात हो रही है, तो पल्लवी की एक साल बाद की आयु, ऋचा की एक साल बाद की आयु, और इसका अनुपात तुम्हें दे दिया है 5:4। बताओ, क्लियर है? अब मैंने आपको कल प्रोसेस बताई थी, रेशियो मेथड की प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और ये वाला जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। इक्वल आ रहा है? आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस चेक करूँ, वर्षों का अंतर अगर मैं चेक करूँ, तो बस वही बात, आप प्रेजेंट से एक साल पहले जाओ, एक साल बाद जाओ, तो टोटल डिफरेंस कितने का होगा भाई? 2 का ही तो होगा, 2 साल का ही तो डिफरेंस हुआ भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस देख लो, कितने साल हैं? 2 साल हैं कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1:1 का मान मेरा 2 है, 1:1 का मान मेरा कितना है? 2 है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, उसने मुझसे पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है। अब इनकी वर्तमान आयु का योगफल निकालना है, इसका मतलब आप अगर एक साल पहले की आयु का योगफल करें तो कितना आएगा? एक साल पहले की आयु का योगफल, अगर मैं इनका योग करता हूँ तो 4 और 3 कितना रेशियो बना? 7। भाई 4 रेशियो ये, 3 रेशियो ये, 7 रेशियो का मन कितना हो जाएगा? 7 गुणा 2, 7 × 2 = 14 वर्ष। ये जो योग आया है, ये जो योग आया है वो कितने साल पहले का आया है बेटा? 1 साल पहले का योग आया है। नहीं आई बात समझ में? भाई रेशियो जो दिए गए हैं वो 1 साल पहले के हैं। जब रेशियो 1 साल पहले के हैं तो इनका योग देख रहे हैं, तो 1 साल पहले का जो योग आया वो कितने वर्ष आया? 14 वर्ष आया। आपको क्या करना है? वर्तमान का निकालना है। जब वर्तमान का निकालते हैं योग, तो आप क्या करेंगे? एक एक दोनों में फिर से जोड़ देंगे, तो 14 और 2 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया हो ये कैसे आप 2 जोड़ रहे हैं, तो आप एक काम ये करना कि पल्लवी की 1 साल पहले की आयु अगर मैं निकाल रहा हूँ, भाई 1 रेशियो का मान कितना था? 2 था। आप 4 रेशियो का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही अगर मैं ऋचा की 1 साल पहले की आयु का रेशियो मेरा कितना है? 3, और 1 रेशियो का मान कितना है? 2, 3 × 6। ये 1 साल पहले की आयु आ रही है, इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट आयु निकालूंगा तो दोनों में एक एक जोड़ूंगा, 8 और 1 9, 6 और 1 7। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तब भी क्या आएगा? 16 वर्ष। बताओ क्लियर है? समझ में आया?
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। चलो इसको दूसरे तरीके से, मैंने कल भी आपको एक एक क्वेश्चन के दो दो तरीके बताए थे, है ना। दूसरे तरीके से आप खुद करके देख लो कि मैं ही करा दूं। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं, यही वाला करा देता हूं कि भाई पिछले वर्ष की बात हो रही है, पल्लवी थी एक साल पहले की आयु, ऋचा थी एक साल पहले की आयु, अनुपात कितना था, 4:3। ठीक है, अगर मैं पल्लवी की एक साल पहले की आयु देखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 4x, ऋचा की एक साल पहले की आयु देखूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटा, 3x। ठीक है, अब अगर मैं प्रेजेंट आयु निकालूंगा तो दोनों में एक एक जोड़ूंगा, दोनों में एक एक जोड़ूंगा। और अगले वर्ष की बात हो रही है, यानी कि अभी तो ये प्रेजेंट आयु हुई, ये प्रेजेंट आयु तो हुई है, अब आप क्या करेंगे, अगले वर्ष के लिए एक एक और जोड़ेंगे। तो अगले वर्ष क्या हो रहा है इनका रेशियो, भाई 5:4 हो रहा है, 5 × 4 कर दो, ये कितना बन गया, 4x+2, 3x+2 बराबर है 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 16x प्लस 4 × 2 = 8, 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 5 = 10। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो, 16x में से 15x जाएंगे, x बचेगा, और 8 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। x का मान आ गया 2। ठीक है, हमें क्या करना है, वर्तमान आयु का योग निकालना है। वर्तमान आयु ये थी ना 4x+1, अब x की जगह आप 2 रखो, 4 × 2 + 1 बना कितना, 4 × 2 = 8 और 9, 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखो। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिख लिया करो, है ना। कॉपी पेन तो लेके बैठते ही होंगे, बैठते हो कि नहीं। चलो देखो, यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, क्वेश्चन है, यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल, यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कीजिए फटाफट से, है ना। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें, सॉल्व हो जाए फिर यहाँ पे देखें। देखो भाई, समझो कैसे करना है। भाई यशवीर है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, दो लोग हैं, एक यशवीर और उसका पुत्र, और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात जो हमें दिया गया है, उसका पुत्र यानी कि पी मान लो, ये यशवीर ये पुत्र, ठीक है, का अनुपात हमें कितना दिया है, 5:2। कब का दिया है बेटा, वर्तमान का दिया है, यही हुआ है ना। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से यशवीर की वर्तमान आयु मानूंगा तो कितनी मानूंगा, 5x, और पुत्र की वर्तमान आयु मानूंगा वो कितनी मानूंगा, 2x, यही तो मानूंगा। ठीक, अब यहाँ पर उसने आगे बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल,
उनकी आयु का गुणनफल कितना है भाई? 640 है, यानी कि 5x गुणा 2x बराबर 640 कर सकता हूँ। और 5 दुनी 10 और x का x से एक्स स्क्वायर बराबर 640, जीरो से जीरो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 8। x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि यशवीर की जो वर्तमान आयु होगी वो 5 में गुणा कर देंगे आप किससे? 8 से, तो यशवीर की वर्तमान आयु 8 कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद यशवीर कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा? तो देखो, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, अगर मैं भाई यशवीर की 10 वर्ष बाद की आयु निकालूंगा तो क्या करूँगा, 40 में 10 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लें भाई। यशवीर था और उसका पुत्र था, वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 5:2। मैंने यशवीर की वर्तमान आयु निकाल ली 5x, पुत्र की निकाल ली 2x, ठीक है। आगे बोला था कि उनकी आयु का गुणनफल 640 है, तो 5x में 2x का गुणा कर दूं, 640 के बराबर कर दूं। मैंने जीरो से जीरो हटा दिया भाई, 5 दूना 10x स्क्वायर हो गया, 640 जीरो से जीरो हटाए, x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 64। और x का मान क्या हो जाएगा फिर? 8 हो जाएगा। कैसे? कि स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक। अब x का मान 8 आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं यशवीर की आयु में लगाऊँ तो 5x था, तो 5 × 8, 8×40। यशवीर की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40। मुझे 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु बतानी थी, तो यशवीर की 10 वर्ष बाद की आयु के लिए आप 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 50 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औसत से रिलेटेड है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत, अमित व अनिल, क्वेश्चन है अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत, अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है, 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? ये आंसर आपको बताना है भाई। अमित और अनिल दो लोग हैं, वर्तमान आयु का औसत दिया गया है, वर्तमान आयु का औसत दिया गया है कितना भाई? 32 वर्ष दिया गया है। अब मुझसे ये पूछा है कि उसने, हाँ इसने ये और बोला है कि अमित जो है वो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, अमित जो है वो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर उसने बोल दिया क्या? औसत। अब औसत आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने औसत पढ़ा होगा। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। औसत का मतलब क्या होता है? जितने भी कैंडिडेट हैं या आपके जो नंबर हैं सबको क्या कर देना? बराबर कर देना, इक्वल में बांट देना। औसत का मतलब अगर कोई कहे कि औसत क्या है, तो आप बस यही कहेंगे सबको बराबर करना, सबको बराबर का दर्जा देना, एक औसत है, ठीक। बात समझ में आई? तो वही चीज़ है। अब दो लोग हैं, एक है अमित एक है अनिल, और औसत आयु दे दी कितनी? 32 वर्ष। इसका मतलब क्या है? अमित की और अनिल की, इन दोनों की आयु को जोड़ा गया होगा और 2 से दिया गया होगा भाग, वो किसके बराबर है? देखो भाई, अमित
और अनिल दो लोग हैं, दोनों की आयु को जोड़ा गया होगा और दो से दिया गया होगा भाग, किसके बराबर कर दिया वो 32 के बराबर कर दिया। बताओ क्लियर है ना पॉइंट। अब उसने ये बोला कि यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी अगर अमित जो है वो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है तो आप अनिल की आयु में 6 जोड़ दोगे, किसके लिए, अमित के लिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर मुझे अमित की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, अमित की जगह आप अनिल प्लस 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनिल प्लस, अनिल को मैं एन ए एन लिख दे रहा हूँ, ए एन प्लस 6 प्लस ए एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 32, ये 2 आप इधर पहुँचा दो, और ये अनिल अनिल 2 अनिल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 32, और ये प्लस का 6 इधर रही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो 2 अनिल इज इक्वल टू 32 दूना कितना होता है 64, माइनस क्या कर देंगे 6, और 64 में से 6 जाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 5, ठीक है अनिल, तो अनिल की आयु आपकी क्या आ जाएगी बेटा 58/2, 2 से काट दो कितना आ गया 29 वर्ष। बताओ समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई औसत की बात हो रही है, औसत की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, औसत का मतलब क्या है कि आपने दो लोग हैं, दोनों लोगों को बराबर बराबर करना है, तो दोनों लोग बराबर कब होंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे और दो का भाग दे देंगे, यही तो दिया है भाई, औसत का मतलब यही तो होता है, एक अमित था एक अनिल था, दोनों को जो दोनों की आयु को जोड़ा, दो से भाग दे दिया, कितना हो गया 32। अब अगर उसने आगे बोला अमित जो है वो अनिल से कितने वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर अनिल, देखो अगर आपका अनिल 4 वर्ष का है तो अमित कितने का हो जाएगा, भाई आप अनिल की जगह 4 रख देंगे, 6 4 10 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 वर्ष बड़ा है कि नहीं अमित, वही मैंने किया यहाँ पर। अब अनिल को मैंने एन एन लिख लिया, यानी अमित की जगह पे मैं अनिल प्लस 6 लिख सकता हूँ, वो मैंने ये लिख दिया है अनिल प्लस 6 और प्लस अनिल, और ये दो मैंने इधर पहुँचा दिए, गुणा कर दिया, अनिल अनिल 2 अनिल, और ये 6 मैंने इक्वल के इधर पहुँचा दिए, माइनस कर दिया, घटा दिया 58, और दो का भाग दे दिया, कितना आ गया 29 वर्ष। ठीक है समझ में आया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है कविता रजिया और हरिया, कविता रजिया और हरिया, कविता रजिया और हरिया की वर्तमान आयु का अनुपात, की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9, 4:7:9 है, 4:7:9 है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल 56 था, कितना था 56 था, 56 था, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये बताना है, करो सॉल्व। कविता है, रजिया है, हरिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ना, और 8 वर्ष पहले
का योगफल भी दिया है, 8 वर्ष पहले का योगफल भी दिया है। अब क्या करें भाई, लगाओ दिमाग अपना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आप दिमाग लगाओ, है ना। चलो भाई देख लें। एक थी कविता, एक थी रजिया और एक है हरिया, है ना। अनुपात कितना है, 4:7:9। कब का है, वर्तमान का है, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, हैं। अब देखो, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल दिया है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल दिया है, किसका, कविता का और रजिया का और हरिया का, 8 वर्ष पहले की आयु का योग कितना है, 56। भाई 8 साल पहले की आयु का योग है और वर्तमान में जाना हो, 8 साल पहले की आयु का योग है और वर्तमान में जाना हो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब केवल 8 जोड़ने से क्या सब 8 साल बाद क्यों हो जाएंगे, मतलब सब में आठ जोड़ेंगे, केवल 8 ही जोड़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कविता भी 8 साल बढ़ेगी, रजिया भी 8 साल बढ़ेगी और हरिया भी 8 साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कोई एक अपनी उम्र पर ही रहे, कोई ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कविता की आयु का 8 जोड़ेंगे, रजिया की आयु में 8 जोड़ेंगे और हरिया की आयु में 8 जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, 56 और 8 3 24, 6 4 10 की 0 वहाँ से ले, 5 3 8, कितने वर्ष आ जाएगा बेटा, 80 वर्ष आ जाएगा। क्या 80 वर्ष क्या आएगा, 80 वर्ष क्या आएगा, कविता की वर्तमान आयु, रजिया की वर्तमान आयु और हरिया की वर्तमान आयु का योग आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो हमें दिया गया था उसमें 8 जोड़े, क्यों, क्योंकि मुझे वर्तमान आयु का योग निकालना था, ठीक है। अब वर्तमान आयु का जो रेशियो है उसका योग कितना है, तो उसका योग निकालो भाई, 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो यानी कि 20 रेशियो ही तो है ये, यानी 9 और 7 16 और 4 20, 20 रेशियो बना और 20 रेशियो का योग, 20 रेशियो का मान कितना है, 80 वर्ष है। बताओ, जब 20 रेशियो का मान 80 वर्ष है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा भाई, 4, भाई 0 से 0 हटेगा, 2 6 8, एक रेशियो का मन कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। अब जो पूछा है वो बता दो, क्या पूछा है, वर्तमान आयु बतानी है, भाई वर्तमान आयु बतानी है, बता दो क्या दिक्कत है, कैसे कैसे बताएंगे वो भी देख लो। ये कौन है, कविता, इसका रेशियो कितना, 4, कविता का रेशियो कितना, 4, तो और एक रेशियो कितना, 4, तो और 4 रेशियो कितना, 4 6 16, कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर और इधर लेके दे रहा हूँ, कविता है, आप क्या कर देंगे, 4 × 4 4 6 16 वर्ष आ जाएगी, ठीक है, 16 वर्ष। अब रजिया की वर्तमान आयु निकालनी है, रजिया की वर्तमान आयु का कितना है रेशियो, 7 का है और एक रेशियो का मान 4 है, तो रजिया की वर्तमान आयु का रेशियो है 7, एक रेशियो का मान है 4, तो 7 6 28 वर्ष। उसके बाद मुझसे किसकी आयु, मतलब तीनों की पूछी है ना, तो हरिया की वर्तमान आयु का योग निकालना था, हरिया की वर्तमान आयु का रेशियो कितने का है, 9 का, तो एक रेशियो का मान कितना है, 4 9 6 36, हो गया। बताओ समझ में आया सभी को, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, एक बार अगर रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो देख लो, मैं रिपीट करे दे रहा हूँ। देखो, ये आपको वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में, और ये 8 साल पहले की बात हो रही है ना, हाँ, 8 साल पहले की आयु का योग दिया है, कितना, 56 दिया था, इतना दिया था। तो मैं क्या करूँगा, वर्तमान आयु का योग निकाल लूँगा, तो 8 साल कौन है, कविता,
8 साल रजिया, 8 साल अरिया, तीनों अलग अलग जुड़ेंगे, 56 में 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 80 वर्ष। यानी कि कविता रजिया और अरिया की वर्तमान आयु का योग बन गया 80, और यहाँ पे योग कितना बन रहा है 9 और 7 16 और 4 20, 20 रेशियो को मैं 80 के बराबर कर सकता हूँ, तो एक रेशियो का मान कितना बन जाएगा 4। जैसे ही एक रेशियो का मान 4 आएगा, आप सबकी वर्तमान आयु बतानी थी, तो इसका रेशियो था 4, इसका था 7 और इसका था 9, वो मैंने लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इधर, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। तीन लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात, तथा उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 3:5:5:7 है। सेम इसी जैसा सवाल है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? जो क्वेश्चन इससे पहले कराया था सेम टू सेम उसी जैसा है, बस उसमें क्या था, उसमें 8 साल पहले की आयु का योग दिया था, यहाँ पे वर्तमान का आप निकाल लेंगे। कैसे? औसत दिया है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, औसत का मतलब जितने कैंडिडेट हो सबको बराबर कर दो, है ना, जितने कैंडिडेट हो सबको बराबर कर दो, औसत होता है वही चीज़। देखो इधर भाई, तीन लड़के हैं, अब हमें तो पता नहीं कौन कौन से हैं, मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, और उनका औसत दिया है, यानी कि औसत का मतलब तीनों को जोड़ो, तीन का भाग दे दो, किसके बराबर भाई? 35 वर्ष के बराबर। तो यहाँ से मैं तीनों लड़कों की आयु का योग निकाल सकता हूँ, 35 दिया, तीन का भाग, तीन का गुणा करो, 3 5 5 इसलिए 3 3 9 10, कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105 वर्ष। ठीक है, तीनों लड़कों की आयु का योग आ गया आपका कितना, 105 वर्ष। अब उनकी आयु का अनुपात हमें दिया है, आयु का अनुपात यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हमें कितना दिया है, 3:5:5:7। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो जोड़ता हूँ तो 7 और 5 12 12 और 3 15, और यहाँ पे योग कितना है 105, तो मैं कह सकता हूँ 15 रेशियो मेरा 105 के बराबर, तो एक रेशियो मेरा 7 के बराबर। अब मुझसे ये पूछा गया था कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, यहाँ पे देखो सबसे छोटा रेशियो क्या है, आपने देखा सबसे छोटा रेशियो है 3, तो आपको बस 3 रेशियो का मान बता देना है, तो 7 × 3 कर दो, 7 3 21 वर्ष हो गया। सवाल बताओ, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं ना आज इस क्वेश्चन? ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, सविंद्र ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था
इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है, जितनी आयु तुम्हारी इस समय है, उतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है। यदि सविंद्र की आयु इस समय, यदि सविंद्र की आयु इस समय, यदि सविंद्र की आयु इस समय 40 वर्ष है, 40 वर्ष है तो, 40 वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये बताना है। बताइए भाई, सविंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है अपने पुत्र से कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है। समझो सवाल को, समझो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सवाल में। देखो भाई कैसे करेंगे, समझो क्या कह रहा है। सविंद्र ने कहा है अपने पुत्र से कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय। इस बात से अगर आप यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं, आप एक बात मान लो, मैंने मान लिया पुत्र का जन्म, पुत्र का जो जन्म हुआ है वो एक्स वर्ष पहले हुआ है। बताओ, माना जो पुत्र है और उसका जन्म जो हुआ है वो एक्स वर्ष पहले हुआ है, तो जब उसके पुत्र के पापा सविंद्र ने उससे ये कहा है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु के तुम इस समय हो, अगर उसके पुत्र का जन्म एक्स वर्ष पहले हुआ है तो इसका मतलब एक्स साल पहले पिताजी एक्स साल के थे। बताओ, समझो इस बात को, समझो कि एक्स वर्ष पहले पिताजी एक्स साल के ही तो थे, एक्स वर्ष पहले सविंद्र एक्स वर्ष का था, यही तो बात हो रही है। एक्स वर्ष पहले सविंद्र एक्स वर्ष का था, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला कि तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी अभी तुम्हारी इस समय है, है ना। तो मैं क्या करूँगा, x वर्ष पहले x, सविंद्र की आयु x है, यानी x प्लस x कितना हो गया 2x, यानी ये क्या बन के आ गई, सविंद्र की ये क्या बन के आ गई, वर्तमान आयु बन के आ गई। क्या बन के आ गई, वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु दी कितनी है, 40 दी है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। x और x कितना बना 2x = 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 40 कट जाएगा, कितनी बार, 20 वर्ष। यानी कि बोल रहा है कि पुत्र का जन्म एक्स वर्ष पहले हुआ है, तो अभी प्रेजेंट में पुत्र कितने का होगा, 20 का ही तो होगा, नहीं यही बात समझ में। तुम्हारा जन्म 15 साल पहले हुआ है, अभी कितने साल के हो, 15 साल के हो, या तुम्हारा जन्म 30 साल पहले हुआ है, प्रेजेंट में कितने वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो। ठीक है, वही चीज़ है कि पुत्र का जन्म एक्स वर्ष पहले हुआ है यानी 20 वर्ष पहले हुआ है, तो प्रेजेंट में पुत्र कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का ही तो है। अब उसने एक बात और बोली है कि आगे बोला उसने कि तो उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, आप क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। ये इसका आंसर है। सॉल्व कर लो भैया, लिख लो फटाफट, लिखना नहीं हो तो SS ले लो, SS मतलब स्क्रीन शॉट।
हो गया, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये हुए आज के कुछ क्वेश्चंस अपने। ठीक, थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी मैं, आयु के दो करीब हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो अगली क्लास में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। ठीक, और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।